जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नोपॉजी यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं सभी पीएसयू बैंक्स के लेटेस्ट एफडी रेट्स के बारे में और उन सभी पीएसयू बैंक्स में कौन सा हाईएस्ट रेट जो है वो कौन सी स्कीम के ऊपर वो लोग ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो हम में से ज्यादातर लोग जो है वो गवर्नमेंट बैंक में ही जो है वो अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवाते हैं और हम में से कई लोग तो ऐसे होंगे जिनके एक से ज्यादा बैंक में जो है वो अकाउंट होंगे। बट जब हम एफडी कराने जाते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी बैंक में जो है वो ज्यादा एफडी का इंटरेस्ट रेट जो है वो मिल रहा है ताकि मैं उस बैंक में जाके जो है वो एफडी करवाऊं। तो आज के स्टूडियो में मैं आपको सभी बैंक के एफडी रेट्स को जो है वो दिखाने वाला हूं ताकि आपके लिए इजिली हो जाए बैंक चूज करना। आप चाहे तो इन बैंक में से जो भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप उनमें जो है वो एफडी ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे यहाँ पे मैंने सभी पीएसयू बैंक्स के नाम जो है वो लिख दिए हैं, साथ ही कॉलम में मैंने यहाँ पे वन ईयर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर ये बैंक्स के एक साल की अगर आप एफडी करते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट जो है वो मिलने वाला है वो हम यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम दिया गया है बेस्ट एफडी। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है इस बैंक में सबसे बेस्ट एफडी रेट्स कौन सा अभी जो है वो ऑफर किया जा रहा है और डेज में अगर आप कितने दिन की अगर आप एफडी करते हो तो आपको ये बेस्ट एफडी का रेट्स जो है जो कि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहली बैंक यहाँ पे दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एक साल की एफडी कर रहे हो तो सिंपली आपको अभी 6.85% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। साथ ही में हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफर कर रही है वो 7.25% है। अगर आप 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम की एफडी करते हो तो आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिलने वाला है, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। अब नेक्स्ट बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल की एफडी करते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है फॉर जनरल कैटेगरी। ये 1 साल का रिटर्न जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आपकी एज 60 साल से नीचे है तो आपको ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये लागू होने वाले हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो सिंपली आपको ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें 0.50% जो है वो एडिशनली ऐड कर देना है। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया की ओर से हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर किया जा रहा है वो है 7.25%। अगर आप 2 साल की एफडी करते हो तो आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। अब नेक्स्ट बैंक जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एफडी करते हो तो सिंपली आपको 1 साल की एफडी पे 6.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। साथ ही में अगर आप 6 महीने और 18 दिन की एफडी करते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तो यहाँ पे आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है, जो कि हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से किसी भी एफडी स्कीम के ऊपर। वैसे ही अगर आप केनरा बैंक में आपका अकाउंट है तो अगर आप केनरा बैंक में 1 साल की एफडी करते हो तो सिंपली अभी आपको जो है वो 6.85% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप केनरा बैंक में 444 मतलब 444 दिन की एफडी करते हो तो यहाँ पे आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। अब नेक्स्ट बैंक है यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 1 साल की एफडी करते हो तो यहाँ पे आपको 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। और साथ ही में अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2 साल और उससे ज्यादा और 3 साल से कम की एफडी करते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। अब पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप 1 साल की एफडी करते हो तो सिंपली अभी आपको 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में 400 दिन की अगर आप एफडी करते हो तो सिंपली अभी आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है, जो कि हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप SBI में 1 साल की एफडी करते हो तो अभी फिलहाल आपको 6.8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप SBI में 2 साल और 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम की एफडी करते हो, मतलब कि अगर आप SBI में 2 साल से लेकर 3 साल से कम की एफडी करते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल की एफडी करते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। और अगर आप यूनियन बैंक में 399 डेज की एफडी करते हो तो सिंपली आपको 7.25% का हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है।
वैसे ही अगर आपका इंडियन बैंक में अकाउंट है और अगर आप एक साल की एफडी करते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे 6.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। और अगर आप इंडियन बैंक में 400 दिन की एफडी कर रहे हो जिसका एफडी का नाम है इंड सुपर 400 डेज एफडी, अगर आप ये एफडी के स्कीम के अंतर्गत एफडी करते हो तो सिंपली आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। वैसे ही हमारी नेक्स्ट बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक में एक साल की एफडी करते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे 6.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक में 444 दिन की एफडी करते हो तो यहाँ पे आपको 7.3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। वैसे ही लास्ट हमारी यहाँ पे बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। अगर आप इस बैंक में एक साल की एफडी करते हो तो यहाँ पे आपको 6.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। और अगर आप पंजाब एंड सिंध बैंक में 444 दिन की एफडी करते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा है, जो कि हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। आप चाहो तो इन सब में से कोई भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपको ये वीडियो देख के आपको एक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि मुझे कौन सी स्कीम में अगर मैं एफडी करूंगा तो मुझे जो है वो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।